So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. Vipin Kumar Sharma और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म PWIIT JAM & CSIR NET के ऊपर. एंड आज मैं और हमारी पूरी टीम बहुत ज़्यादा खुश हैं बिकॉज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ इंसेप्शन और ये साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कामयाबी भरा रहा है. हमने हमारे फर्स्ट बैचेस जो लॉन्च किए थे जिनका नाम था क्षितिज, शोध और साकार, उनके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल रहे हैं. आज हमारे साथ हमारे सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार के CSIR NET JRF एग्जामिनेशन में टॉप किया है वो भी हमारे साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं. जाहिर सी बात है कि सारे स्टूडेंट्स का टाइम एक साथ मैनेज कर पाना वॉज नॉट पॉसिबल फॉर आर टीम. बहुत सारे टॉपर्स इस बार निकले हैं इन CSIR NET एग्जामिनेशन. लगभग 100 में से 50 प्लस रैंक्स PW से आई हैं, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल. और उनमें से कुछ टॉपर स्टूडेंट्स आज यहां पर अवेलेबल हैं जिनके साथ हम बात कर रहे होंगे और हमारी फैकल्टीज उनकी मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें फेलिसिटेट भी कर रही होंगी. एंड सिंस ये मौका इतने ज़्यादा प्राइड का है सारे के सारे PW परिवार के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो हम चाहेंगे कि इस मौके को हम लोग लाइफ लॉन्ग मेमोरी के तौर पर कैप्चर कर लें और बहुत ज़्यादा एन्जॉय करें. तो मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूँगा हमारी सारी फैकल्टीज़ को, सारे टॉपर स्टूडेंट्स को और हमारे ढोल वाली टीम को, जिससे कि हम लोग थोड़ा एन्जॉय कर सकें, नाच गा सकें और अपनी खुशी को आप सभी लोगों के सामने जाहिर भी कर सकें. After this wonderful celebration, it's time to meet our toppers as well as all our faculties. लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम आपको कुछ stats बताएं about IIT JAM and CSIR NET channel of PW. Because ये जब channel हम लोगों ने start किया था बहुत प्यार और बहुत उम्मीदों के साथ start किया था and I hope हम आपकी उन उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं. And that's why I would like to represent some data over here जो कि आपको बताएगा कि हम लोगों ने इस एक साल में क्या क्या अचीव किया है एंड हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव किया है. सो इस साल CSIR NET का जो रिजल्ट आया है उसमें आउट ऑफ 100 50 प्लस टॉप रैंक्स जो हैं वो PW के स्टूडेंट्स ने स्कोर करी हैं एंड आउट ऑफ देम 40 प्लस हैव क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने JRF के लिए क्वालिफाई कर लिया है. अगर आप देखें तो एक साल के अंदर लगभग 50,000 से भी ज़्यादा एक्टिव लर्नर्स को PW के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने पढ़ाया और हमारी एवरेज रेटिंग जो है वो 4.8 स्टार्स रही है आउट ऑफ 5, विच इज़ अ सुप्रीमली फिनोमिनल रेटिंग. यानी स्टूडेंट्स ने हम लोगों को, हमारे टीचिंग मेथडोलॉजीज को, हमारे टीचर्स की टीचिंग पेडागॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है. 7 लाख से भी ज़्यादा घंटों तक स्टूडेंट्स ने हमारी ऐप पर पढ़ाई करी है फॉर CSIR NET एंड हमारे YouTube चैनल पर लगभग 1,22,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए हम आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग रियली वेरी स्पेशल. हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि एक लेवल अप जाया जाए और उसी लिए हम आपके लिए कुछ नए कोर्सेज, कुछ नए बैचेस भी लेकर के आए हैं. एंड टू लॉन्च, टू इनॉग्रेट दिस बैच, आई वुड लाइक टू वेलकम ओवर हियर हितेश चुग सर एंड वैशाली वर्मा मैम. थैंक यू सो मच सर. तो सबसे पहले इतने सारे रिजल्ट्स के लिए सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन.
एंड इसके साथ साथ आई थिंक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है. जो प्रोमिसेस हमने शोध बैच के साथ किए थे उन बहुत सारे प्रोमिसेस को हमने पूरा किया है. सो उसी कड़ी में एक और चीज हम लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज हमारा शोध फास्ट ट्रैक बैच, जो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजों को साथ में लेके आएगा. ये टारगेट करेगा जून 2024 बैच को. सो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको हितेश सर भी बताएंगे. जून 2024 का हमारा एक बैच अभी करंट में रनिंग चल रहा है, दैट इज शोध एंड शोध प्रो. दो बैच है, जिन भी लोगों ने वो ज्वाइन कर रखा है वो पढ़ रहे हैं, और जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, जो उसके लेक्चर हो गए हैं वो आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे. उसके फर्दर जो बैच आने वाला है वो शोध फास्ट ट्रैक बैच होगा. ये कब लॉन्च होगा, इसकी क्या क्या डिटेल होगी, वो जल्दी आपके साथ शेयर होगी. तो नेक्स्ट टारगेट हमारा शोध जून 2024 बैच होने वाला है. अभी फिलहाल जो भी जिनका अच्छा रिजल्ट आया उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपने बहुत अच्छी नॉलेज गेन की है और ये नॉलेज आपको आगे तक काम आएगी. बैच जो है वो एज यूजुअल चारों सब्जेक्ट्स में होगा, केमिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस एंड मैथमेटिकल साइंसेस. सो डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे, मेहनत आपकी हम भी करेंगे कि हम और बम्पर रिजल्ट्स लेके आए और इसी तरीके से हर साल इसे सेलिब्रेट करें. थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप कर लीजिए क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच जब आएगा तो थोड़ा सा आपका भी इन्वॉल्वमेंट हमें चाहिए होगा. आप लोग तैयार होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा. तो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, जून को टारगेट कर रहे हैं या दिसंबर को जो भी टारगेट कर रहे हैं, एक तैयारी आपको शुरू करनी होगी तो आज पहला स्टेप ले लीजिए और जब फर्दर बैच लॉन्च होगा तब हम आपको बैच में मिलेंगे. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू सो मच सर एंड मैम फॉर योर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. और अब सिंस हम लोगों ने एक साल कंप्लीट कर लिया है तो सारे के सारे PWIIT जेम एंड CSIR टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन जिनकी वजह से ये जर्नी बहुत ही शानदार रह पाई है. एंड हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमें इतना कमाल का रिस्पॉन्स मिलेगा ऑनेस्टली. थैंक यू. जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं देर इज ऑलवेज अ कॉन्क्रीट विजन, लेकिन उसके पीछे के जो नंबर्स होते हैं वो स्ट्राइकिंग तभी बन पाते हैं जब टीम दोनों एंड से मेहनत करे, हमारी बैकएंड टीम भी और हमारी फ्रंट एंड टीम भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे स्टूडेंट्स भी. यहाँ पर हमारे लिए सबसे फॉर्चुनेट बात जो रही वो ये रही कि तीनों पक्ष जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे. बैकएंड टीम ने अपना काम बखूबी निभाया, सारी चीज़ें मैनेज रही, वेल मैनेज रही. फैकल्टीज ने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया, बहुत ज़्यादा मेहनत से स्टूडेंट्स के लिए कॉन्टेंट तैयार किया, एंड स्टूडेंट्स ने भी एकदम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अच्छे तरीके से पढ़ाई करी और बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट्स ला करके खुद का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है. आज हम उन्हीं स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट स्टूडेंट्स वन बाय वन एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट फैकल्टीज टू फेलिसिटेट देम विद सम गिफ्ट्स. हमारे पास कुछ गिफ्ट्स हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो हम चाहेंगे कि हम लोग एक बार स्टूडेंट्स को दें. बट उससे पहले लेट्स सेलिब्रेट आर वन ईयर सेलिब्रेशन. एक और बार ढोल आई गेस बनता ही है. थैंक यू. तो दोस्तों नाउ इट्स टाइम फॉर अनदर वेरी बिग सरप्राइज एंड टू रिवील दैट सरप्राइज आई वुड लाइक टू वेलकम ओवर हियर आर रेस्पेक्टेड फैकल्टी रिंकू कौशिक सर. सर प्लीज वेलकम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.
सो नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द रिजल्ट्स ऑफ आर टॉपर्स. तो मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा और फिर हम एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे. सो अगर आप देखें तो हमारी टॉप रैंक्स जो हैं वो है AIR 07 इन GRF. सौम्य रंजन ने ऑल इंडिया 7 रैंक स्कोर करी है इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंसेज. अगर आप नयन की बात करें तो ही हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया 16 विच इज अगेन अ फिनोमिनल रैंक. सविता हैज ऑल्सो स्कोर्ड ऑल इंडिया 16th रैंक. एंड बालू हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया 17th रैंक. इसके अलावा और भी कई शानदार रैंक्स हैं जो आपको आगे आने वाली स्क्रीन्स के ऊपर दिखाई देंगी. एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर आर CSR टीम बिकॉज फर्स्ट ईयर ऑफ इंसेप्शन में इतना अच्छा रिजल्ट आना सिंगल और डबल डिजिट रैंक्स लेकर के आना इज ट्रूली ग्रेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल द स्टूडेंट्स. इनके अलावा काफ़ी सारे और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ और एक एक करके फिर हम इनसे मिलते हैं. These are our GRF qualifiers, All India rank 7, 40, 41, 62, 62, 66, 75, 77, 96 and 100. और इसके अलावा भी बहुत सारी ranks हैं, 170, 184, 211, 211, 220, 227, 234 and 240 and still counting. काफ़ी सारे ऐसे students हैं जो आज हमें unfortunately join नहीं कर पाए हैं due to their prior commitments. लेकिन काफ़ी सारे students हमारे साथ हैं, so I would love to call them over here. And I would also like to call our faculties over here to felicitate them, क्योंकि you know सब्र का फल और मेहनत का फल मीठा होता है, तो आज उनको वो मीठा फल दे दिया जाए हमारे टीम के एंड से. तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम हमारे सारे मेहनती स्टूडेंट्स को सम्मानित कर सकें. तो एक एक करके हम यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और एक एक करके सारी फैकल्टीज़ को भी बुलाएंगे फॉर फेलिसिटेशन प्रोग्राम. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू इन्वाइट ओवर हेयर सौम्य रंजन जिन्होंने ऑल इंडिया 7 स्कोर करी. वेलकम सौम्य. वेलकम सौम्य, कॉन्ग्रेचुलेशन. और फैकल्टीज में से हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर देवाशीष सर को टू फेलिसिटेट सौम्य और अचीवमेंट. Wonderful, sir. तो थोड़ा बताइए आपका जर्नी कैसा था? टू बैक टू बैक GRF, यू आर फ्रॉम BHU, राइट? तो थोड़ा बताइए. सर, जर्नी बहुत अच्छा था. अभी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रिजल्ट मेरा अच्छा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है. और पहली बार वो रैंक करा करने के बाद फिर थोड़ा डिफिकल्टीज और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स था जिसके लिए मेरे को फिर दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ा. ईजी तो नहीं था लेकिन फिर और ज़्यादा फोकस और मेहनत के साथ करना पड़ा क्योंकि सेमेस्टर भी चल रहे थे तो टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा दिक्कत था. और अभी बहुत अच्छा. ग्रेट, लोग GRF के बारे में ड्रीम करते हैं, राइट? बिकॉज GRF इज अ ड्रीम थिंग एंड यू मेड इट बैक टू बैक. सो व्हाट विल बी योर सजेशन फॉर द एस्पिरेंट्स? सर, माय सजेशन लाइक कि आप अपने CSR से भी और आगे अगर रिसर्च में जाना चाहते हो तो और भी बड़े ड्रीम के और गोल रखो तो CSR उसके साथ अपने आर्मी से काम हो जाएगा, उसके बाद और रिसर्च भी अच्छा करें. ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर So thank you so much Soumya and congratulations again and thank you so much Devasi sir. So ab hamare saath hai hamare next topper. I would like to invite over here Mr. Ritik who has scored AIR 62 in NET GRF examination. So Ritik, I welcome you here
एंड फैकल्टीज में से आई वुड लाइक टू कॉल वैशाली मैम टू फेलिसिटेट ऋतिक. Congratulations. Thank you, sir. So firstly, many congratulations, Ritik. So last time he was with Ritik, last year he was with us for LS, and this time All India ranked 62. Great achievement, and very many congratulations to you. So, जो आगे सोच रहे हो वो और ज़्यादा अच्छा हो और सब चीज़ों में कामयाबी मिले. And by the way, almost सभी life sciences exam Ritik qualify कर चुके हैं. So उसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू फॉर टीचिंग एंड थैंक यू टू देवाशीष सर एंड आशीष सर ऑल्सो फॉर वंडरफुल टीचिंग. एंड मैम जर्नी वॉज वेरी गुड क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहा था मैंने JRF के लिए. उसके बाद में मैम दो तीन महीने की कंटिन्यूटी के बाद में आई गोट JRF, सो इट वॉज ए वंडरफुल जर्नी. पहले तो मैम मैं चाहूंगा कि ऋतिक एक बार बताएं कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन है. आई थिंक पता लगना चाहिए ऑडियंस को कि इट्स नॉट अबाउट CSR JRF ओनली जिसके लिए हम यहां पर आए हैं. उसके अलावा सैकड़ों लाइफ साइंसेज के एग्जामिनेशन है ऑलमोस्ट सारे जो कि ऋतिक ने क्वालिफाई किए हैं, तो आप बताना चाहेंगे प्लीज. आई हैव क्वालिफाइड CSIR JRF दिस टाइम विद ऑल इंडिया रैंक 62 एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड टू टाइम नेट विद 112 रैंक एंड सेकेंड वन इज नियरली इक्वल टू दिस. और दूसरे एग्जाम DVT JRF, ICMR JRF, गेट लाइफ साइंस टू टाइम एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड वन इज ASR बी नेट. सो ऑल दीज एग्जाम आई क्वालिफाइड. कमाल, वंडरफुल. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट वैशाली मैम टू प्लीज फेलिसिटेट ऋतिक. So congratulations Ritik and thank you Vaishali ma'am. अब after Ritik हम लोग बुलाना चाहेंगे यहाँ पर हमारे next topper को. I would like to call over here Sumit जिन्होंने All India 41th rank हासिल करी है. Welcome Sumit, welcome to this platform. And faculties में से मैं बुलाना चाहूँगा संजीव सर को to come over here please. Congratulations. आइए. सर क्योंकि मुझे पता थी कि CSIR नेट करने के बाद मैं ऐसा नहीं है केवल टीचिंग लाइन में ही जा सकता हूँ. इसके अलावा देर आर सो मेनी स्कोप्स आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट एग्जाम, क्योंकि इसके अलावा मैं इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता हूँ इसको क्वालिफाई करने के बाद, सच एज सेंसस ऑफिसर्स एंड मैनी मोर. ठीक है, और ये बताइएगा कि जब आपने ज्वाइन किया PW तो आपको यहाँ से किस प्रकार से मदद मिल पाई, मतलब कैसे हमने आपको जो है ऐसा क्या आपको यहाँ से मिला जो आपको मतलब याद रहेगा जीवन में? सर एट फर्स्ट मैं अभी मेरा MSc अभी क्लियर भी नहीं हुई है. मैं MSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने जब MSc में मतलब इनरोलमेंट हुई थी मेरी उसी टाइम से मैंने इसकी प्रिपरेशन में लगा और आपके द्वारा जो मुझे कंटेंट दिया गया मैंने मतलब कंटिन्यूटी बना करके लगातार इसकी प्रिपरेशन में लगा रहा और आज आपके सामने हूँ. ग्रेट. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट संजीव सर टू प्लीज फेलिसिटेट आवर फ्रेंड. Thank you, Sanjeev sir, for joining us, and thank you, Sumit. Congratulations again. Okay, sir. So now it's time to call on the next topper. So हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बिलाल अहमद भाई, जिनकी AIR आई है 66. And मैं मैथमेटिक्स टीम से बुलाना चाहूँगा केशव गिलोत्रा सर को टू फेलिसिटेट बिलाल अहमद भाई.
एंड बिलाल जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, आइए सर प्लीज़। बिलाल जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ JRF के टॉपर नहीं बल्कि हमारे कुलीग भी हैं, हमारे साथी भी हैं। इज अ मेंबर ऑफ FTP फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो PW के स्टूडेंट होने के साथ साथ PW के सदस्य हैं, पहले सदस्य हैं, बाद में स्टूडेंट हैं, अपने जॉब के बाद टाइम निकाल के पढ़ा करते थे एंड ही हैज़ क्वालिफाइड JRF, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, बहुत बहुत बधाई। एंड बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है कि आप दो चीज़ें साथ कर सकते हैं और दोनों चीज़ों में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ही इज़ वर्किंग सक्सेसफुली विद आर टीम एंड ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ बेस्ट विद दिस फिनोमिनल रैंक ऑल्सो। सो आई वुड लव कि सर आप कुछ बात करें बिलाल भाई से। आपको अगर हम प्योर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से जाएं तो कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा? सर सबसे ज़्यादा अच्छा जो सब्जेक्ट मुझे लगा वो मॉडर्न अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी है सर। ओके सर, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई गई सर। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट केशव सर टू प्लीज फेलिसिटेट बिलाल भाई। सर आप माइक मुझे दीजिए प्लीज। जी थैंक यू सो मच केशव सर एंड थैंक यू सो मच बिलाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। थैंक यू सर। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू वेलकम अनदर टॉपर। हमारे साथ हैं करण कुमार विद ऑल इंडिया रैंक 100, सेंचुरी मारी है भाई ने, सो लेट्स वेलकम एंड टू फेलिसिटेट हिम आई वुड लाइक टू इनवाइट ओवर हियर नीतू मैम। मैम प्लीज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस करण। अनरियल फील हो रहा है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें इतना प्राउड करा विद AIR 100। तो करण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट भी होता है कि वो हायर स्टडी करे या नहीं, तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड कि आपको हायर स्टडी करनी है, साथ ही साथ आपको नेट वगैरह एग्जाम दिया है, तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? द बिगेस्ट मोटिवेशन मैम हैज बीन आई रियलाइज्ड कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और वो रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो हमेशा पुश करते रहता है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और छोटा छोटा मोटिवेशन आगे पुश कराया है मुझे अच्छा करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर आप अपनी पोटेंशियल को पहचानो, क्योंकि क्या होता है बच्चों को पता तो होता है लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमें इतने अच्छे रैंक से प्राउड फील कराए, थैंक यू सो मच, यू द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर करियर। थैंक यू। सो मैम नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप करण भाई को फेलिसिटेट करें प्लीज। थैंक यू नीतू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू करण भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एंड नाउ आफ्टर करण इट्स टाइम टू रिक्वेस्ट ऑन स्टेज Gunjan, who has scored All India rank 234 in NET examination. So let's welcome Gunjan over here on stage. And to felicitate her, I would like to request, ma'am, please. Hello. Hello. So first of all, congratulations. Thank you, ma'am. इतना अच्छा rank लाने के लिए. Thank you, ma'am. अच्छा, तो एक बार जरा experience share करेंगे अपना PW के साथ, आपने कैसे सीखा और कैसे इतना अच्छा rank achieve करने में आपकी help? Okay, first of all, I would like to thank PW for providing this great platform for preparing for CSIR NET. Before that, I didn't have any idea where to start, where to go for preparation. And then I was hunting for these institutions to prepare, there I found PW and I found it great. So I enrolled in it, and then my teachers, Vaishali ma'am, Debashish sir, Ashish sir, their constant motivations, sir's wonderful energy every time I come to class, it helped me a lot and motivated me to do great things in my life. Great. मैम प्लीज आप गुंजन को सम्मानित करिए।
थैंक यू मैम. कांग्रेचुलेशंस. I would like to say one more thing. Before that, before starting preparing for CSIR NET, I haven't studied 6 months straight in my life. So this also helped me learn punctuality and regularity. Yeah. Thank you very much. Congratulations, Gunjan. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you. And after Gunjan, it's time to invite over here on stage our next topper, Krishan Kumar, jinhone All India Rank 186 hasil ki hai in CSIR NET examination. So Krishan Kumar, welcome on stage. एंड फैकल्टीज में से मैं बुलाना चाहूंगा मेघा मैम को टू प्लीज कम ऑन स्टेज. कांग्रेचुलेशंस कृष्ण. हाय कृष्ण, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम. सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस और अभी कैसा लग रहा है? मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे परिवार को, मुझको, मेरे दोस्तों को, सभी को अच्छा लग रहा है. पहले अब मुझे जब से रिजल्ट आया बहुत अटेंशन में ले गया है. मेरे दोस्त, घर वाले सबसे मुझे बहुत अटेंशन मिल गया. जिस दिन से मेरा रिजल्ट आया कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हमें एग्ज़ाम को चेक करना है कि उसके एनालिसिस करनी है किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या है सब कुछ, और उसके बाद हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. तो ऐसे ही मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो सब जगह कोचिंग चलते थे, लेकिन मैं कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि सभी की फ़ीस ज़्यादा थी. तो मेरी PW से एक शिकायत थी कि सभी की कोचिंग है लेकिन CSIR NET का कोई कोचिंग ही नहीं है. सब लोग अच्छे कॉस्ट में, कम कॉस्ट में कोचिंग करके अच्छे अच्छे रैंक्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा. तो PW का मैं यहाँ पर बहुत शुक्रिया जाहिर करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, और संजीव सर और हमारे केशव सर और संजय सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा. मुझे सर मेरा प्योर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन संजीव सर से रियल एनालिसिस पढ़ने के बाद मज़ा ही आ गया एकदम रियल एनालिसिस में. तो और मेरा जो फेवरेट मतलब रियल तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. सर ने जो मुझे पढ़ाई है, संजय सर ने, बहुत बढ़िया लगा. ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मैम टू प्लीज फेलिसिटेट कृष्ण विद अ गिफ्ट. Thank you, ma'am, for joining us, and thank you, Krishan. Congratulations again. So now, in the very same league, after Krishan Kumar, I would like to request over here Divya to come on stage with rank 227. And from faculties, I would like ma'am to come on stage, please. Congratulations. स्टार्टिंग में आई हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट बिकॉज आई हैवंट कंप्लीटेड माय MSc स्टिल. आई एम परस्यूइंग माय डिसर्टेशन इन नोएडा, सो आई एम हियर एक्चुअली फॉर दिस. सो एज सून एज आई एंटर द कॉलेज देयर वाज ऑल टॉक अबाउट CSIR NET, वी हैव टू क्लियर इट, वी हैव टू गिव इट, वी हैव टू डू आवर बेस्ट इन इट. बट आई हैव नो आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट. People in India have a mentality to choose the institution with a decent price. So I came across one ad from PW where they were, they were providing us with very decent price. So without thinking much, I enrolled in the batch
एंड आई एनरोल्ड लेट इन द बैच. इट एक्चुअली स्टार्टेड इन जून. आई एनरोल्ड इन अक्टूबर एंड वी हैड आवर एग्जाम इन डिसम्बर, राइट? सो आई प्रोमिस माई सेल्फ दैट आई विल गिव मैक्सिमम 2 hours टू दिस. आई didn't get any time because our regular classes were going on with this. So after completing my whole schedule, hectic college schedule, I devote 2 hours in a day to PW, and with that I am very surprised that I got 227 rank in CSIR JRF. And Vishali ma'am, I would like to thank you. As soon as I open the recorded lectures, she always gives us continuous motivation that you have to do it. She always tells us about her stories, how she has done it, how she has kept totally motivated by the teacher. Sitting there, I am very grateful for you, ma'am. Thank you. Great, well said, ma'am. So I would request ma'am to please felicitate Divya. Thank you so much, ma'am, and thank you, Divya. Congratulations again. So after Divya, मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा on stage अनुज शर्मा with All India Rank 98. So welcome, अनुज. And from faculties, I would like to invite Hitesh Chugh sir. Please, sir. Congratulations. Thank you. So बहुत-बहुत बधाई आपको इतनी बढ़िया रैंक स्कोर करने के लिए. जो ये नॉलेज आपने गेन की है ये काफी हेल्पफुल आपको रहेगी. सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कब आपने स्टार्ट किया आपकी जर्नी, आपने मास्टर्स के दौरान ये किया है या फिर बाद में किया है, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. नहीं सर, मेरा तो मास्टर्स 23 में ही कम्प्लीट हो गया था. वो 23 में ही मेरे स्कोर कार्ड स्कोर जो आया था वो 50 था. अच्छा. जो मेरा बेस्ट था वो रिकॉर्डेड ही था, जो जून वाला बेस्ट था. तो इसमें मैं सर संजीव सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स पढ़ाया है, और मेरा कल इंटरव्यू भी था परसों रामजस कॉलेज में, वहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स में ही अपना दिया है वो इंटरव्यू, और सिलेक्शन भी हो गया, कल से ज्वाइनिंग है. साथ में केशव सर को बोलना चाहूँगा, क्योंकि केशव सर ने जो लीनियर पढ़ाया उससे मेरे स्कोर बहुत एनहेंस हुआ, और नीतू मैम ने जितना PDE पढ़ाया उतना ही पढ़ के गया हूँ, उतना ही मेरा स्कोर आ गया. और सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं संजय सर को बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो उन्होंने ग्रुप 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 थ्योरी और रियल एनालिसिस ऐसा पढ़ाया, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया. अब ये है कि अभी इतना तो कम है, लेकिन एक स्टार्ट मिल गया है, इतने से नहीं होने वाला है, अभी और मेहनत करनी है, और कुछ और भी अभी एम है, ये तो बस एक शुरुआत है. यही क्या बात है, वाह. सो कंग्रेचुलेशंस अनुज, थैंक यू सर. सो आफ्टर अनुज हम लोग यहाँ पर स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे विकास कुमार को विद ऑल इंडिया रैंक 170. तो विशाल कुमार प्लीज. एंड फैकल्टीज में से मैं बुलाना चाहूंगा संजय सर को. प्लीज संजय सर ज्वाइन अस ऑन स्टेज. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थैंक यू सर. तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे पढ़ाई की. सर मैं अगर सच सच बताऊं तो मैंने एक भी लाइव क्लास नहीं ली. मेरा मतलब पूरा सुबह में जॉब रहता है, तो मैं शाम को ही क्लासेस रिकॉर्डेड देखता था, 3-4 जो भी सब्जेक्ट होते थे, एंड उसी के बेसिस पे मैंने अपनी प्रिपरेशन की. तो फिर आप अपनी पढ़ाई पर कितना टाइम देते थे. सर मैं मेरा जो वीकडेज होता था तो उसमें तो मैं 3-4 घंटे शाम को बस क्लासेस ही ले पाता था, बाकी वीकेंड में मैं सारा रिवीजन करता था. एंड लास्ट में मैंने 15 दिन की छुट्टी ली थी, उसी में मैंने सारा रिवीजन और जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस थी वो किया, एंड उसी लाइक मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लाइक मेरा हो जाएगा, बट हो गया. ग्रेट भाई, ग्रेट.
लाइक अपना फोकस क्लियर रखें, डिसाइड कर लें कि क्या करना है, हो तो जाता है। शानदार। सो आई वुड लाइक संजय सर, आप प्लीज फेलिसिटेट करिए विकास भाई को। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू विकास, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। सो आफ्टर विकास हम लोग इन्वाइट करना चाहेंगे स्टेज पर अभय प्रताप को, जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 79। सो अभय प्रताप, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन स्टेज। एंड फैकल्टीज में से मैं बुलाना चाहूंगा रिंकू कौशिक सर को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, आइए प्लीज। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर आपके आंसर से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सभी टीचर्स को नमस्कार। लास्ट क्लास थी हमारी मेघा मैम की, केमिकल साइंस से मेरा सब्जेक्ट। तो मैम ने प्रोमिस किया, मैम ने बोला था कि हम लोग मिलेंगे नोएडा में, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा, ठीक है। बट आज PW का बहुत बहुत थैंक यू जो मैं यहाँ पर हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मैं पहली बार बोल रहा हूँ। दूसरी बात ये कि PW एक फील्ड में नहीं कि CSINET या IIT जैन में, मैं PW को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने PW ज्वाइन भी नहीं किया था, लेकिन PW की जो खास बात थी, खास बात यह है जो लाखों के कोर्स थे वो हजारों में PW ने दिए हैं। जब मेरा मास्टर्स 2022 में हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने सोचा था नेट की तैयारी के लिए, बट देखा फीस बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम पे PW में जो था भी नहीं, तो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया। और उस टाइम पे मैंने BI डाला और टीचिंग मेरी चल रही थी, वो बीच में टीचिंग किसी वजह से छूट गई। टीचिंग छूटने के बाद में कुछ दिखा नहीं, तो सोचा कि थोड़ा सब्जेक्ट पे वर्क कर लिया जाए, तो मैंने नेट का फिर सिलेबस ज्वाइन किया। और PW से भी पहले मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने मामा जी की वजह से, क्योंकि मेरा फाइनेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो यहाँ खड़ा किया है मेरे को, मेरे मामा जी की वजह से। सर बात रही कि कितना टाइम पढ़ना चाहिए, सर मैंने देखा था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मुखर्जी नगर में, तो उस टाइम पे मैंने देखा था कि बच्चे पढ़ते रहते थे लेकिन सोते रहते थे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा क्या था कि जब भी नींद मतलब लगा के सो इस तरह से हो रहा है, बोरिंग फील हो रही है, तो मैं क्या करता था, रूम मेरा 10 मिनट की दूरी पे था, मेरे 2 चक्कर लगते थे या 3 चक्कर लगते थे, मैं रूम पे जाता था, क्योंकि उसके बाद में जो रिफ्रेशनेस फील होती थी ना, वो मेरा 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता था। कभी भी मैंने घंटों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। बढ़िया। और दिल से थैंक यू जैन सर हमको पहली बार मुखर्जी नगर मिले थे, और हितेश सर को मैंने YouTube पे ही देखा था, मेघा मैम को मैंने पहली बार PW पे। थैंक यू सर। केमिकल साइंस पूरी टीम को मैं बधाइयां देना चाहूंगा, ठीक है। तो साथ ही साथ बच्चे ने बहुत जरूरी बात की है कि आवर्स मैटर नहीं करते, आप कितना एफिशिएंटली चीजों को गेन कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और देखो पढ़ना तो पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर सोपर टाइमिंग, ठीक है। अक्सर मैं क्लास में बोलता रहता हूँ बच्चों को कि भाई मेरे पास कोई मूली गुटी नहीं है, मैं तुम्हें दे दूँ, पेपर निकल जाए, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो रिंकू सर के साथ मैं जैन सर को भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है। आइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बाकी आपने जो अपनी जर्नी बताई है, yes. वो एक्चुअली में एक आइडियल जर्नी होती है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि पढ़ाई है ना, तो आपने उसी पे ज्यादा फोकस किया है, और उसी का नतीजा ये है कि आज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी इतनी अच्छी रैंक है जो आपने स्कोर की। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी फ्रेम में आ जाइए प्लीज, आइए आइए। तो
सारी फैकल्टीज को बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्टेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन अभय. थैंक यू. एंड अब आप सभी लोगों को जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है. आप सभी लोगों ने हमारी PW, IIT JMC एंड CSIR टीम को बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. हमारे सारे बैचेस बहुत अच्छे रहे हैं. सो वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आर टॉपर्स एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर PW, IIT JMC एंड CSIR टीम फॉर प्रोड्यूसिंग सच ग्रेट रिजल्ट्स ऑन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंसेप्शन. और आप सभी लोगों को जो हमें YouTube पर देख रहे हैं, आपको जितना भी शुक्रिया किया जाए वो कम है. आप सभी की सपोर्ट की वजह से आज हमारी टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाई है. एंड हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हर CSIR के एग्जामिनेशन में, हर IIT JMC के एग्जामिनेशन में वी विल बी प्रोड्यूसिंग मोर वंडरफुल रैंक्स इन कमिंग टाइम. एंड हम आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे. हम सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. लॉट्स ऑफ लव.